अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक व्यापारी होटल की दूसरी मंजिल से गिरकर मर जाता है। सीआईडी को होटल के रिकॉर्ड से पता चलता है कि मरने वाले का नाम सतीश राठौर था। होटल के कमरे से सीआईडी को एक कंगन मिलता है जिस पर एम खुदा है। होटल का रिसेप्शनिस्ट सीआईडी को बताता है कि मरने से पहले उस आदमी के पास लाल रंग के कपड़ों में एक लड़की मिलने आई थी। उस आदमी ने रिसेप्शन से एक फोन बैंगलोर भी किया था। सीआईडी उस नंबर पर फोन करती है जिससे उन्हें पता चलता है कि उस आदमी का असली नाम आशीष था और वो हीरो का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। मोबाइल फोन के बिलों से पता चलता है कि आशीष मरने से पहले एक ही जगह पर बार बार फोन कर रहा था। सीआईडी उस जगह पर पहुंचती है जहां पर फोन किए जा रहे थे। और अब आगे तो यही है। दरवाजा खोलिए। सीआईडी माइकल तू गए चलकर सब पता चल जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा ना आपको पता चल जाएगा। सर यही वो लाल कपड़े वाली लड़की है सर। ये देखो। तो आखिर आप मिली गई। तो वो लाल कपड़ों वाली आप ही अमित सलोनी जो आशीष को मिलने टूरिस्ट लॉज पर गई थी। ये कौन है? ये मेरे मंगेतर हैं प्रकाश। मंगेतर? Strange. और इन्होंने आपको मारने की कोशिश की? मैं आपको सब कुछ बताती हूँ लेकिन प्लीज प्लीज मुझे इसे बचा लीजिए। ये एकदम पागल हो गया है। हाँ, पागल हो गया। प्रकाश आप सीआईडी हेडक्वार्टर्स में बैठ जाइए। मिस सलोनी आप हमें ये बताइए कि आप आशीष को मिलने उसके कमरे पे क्यों गई थी और आपने आशीष का खून क्यों किया? खून? नहीं नहीं मैंने आशीष का खून नहीं किया। प्लीज प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। तो फिर बताइए। मैं आशीष से एक होटल में मिली थी। मुझे मालूम पड़ा कि आशीष एक बहुत ही अमीर आदमी है और शादीशुदा भी। मैंने ये सब आके प्रकाश को बता दिया। हमने आशीष को ब्लैकमेल करने का एक प्लान बनाया। बस फिर मैं आशीष से रोज मिलने लगी और अक्सर उसे फोन पे बात भी किया करती थी। आशीष ने मुझे कई खत लिखे और प्लान के मुताबिक हमने आशीष से 5 लाख रुपए मांगे और कहा कि अगर उसने हमें वो रुपए नहीं दिए तो वो सारे खत हम उसकी बीवी तक पहुंचा देंगे। और फिर आशीष डर गया। हमने आशीष से सारा रुपया एक ही साथ मांगा। हमारे कहने पे ही आशीष उस टूरिस्ट लॉज में 5 लाख के हीरे लेकर आया था और उसके बाद आप और प्रकाश दोनों टूरिस्ट लॉज हीरे लेने गए। प्रकाश मेरे साथ नहीं था क्योंकि हाल ही में वो 3 साल की सजा काट के आया है और दोबारा वो रिस्क लेना नहीं चाहता था। इसीलिए आशीष से मिलने मैं अकेली ही उस टूरिस्ट लॉज में चली गई। Thank you.
आशीष, आशीष, आशीष क्या तुम अंदर हो? आशीष, दरवाजा तो खुला है। आशीष, उठो आशीष, लगता है बहुत पी लिया। आशीष, आशीष गेट अप, आशीष। गॉड, ये तो मर गया। आप कहना चाह रही हैं कि जब आप वहां पर पहुंची तो आशीष पहले से ही मरा हुआ था और हीरे भी गायब थे। जी, मैं वहां से भागकर सीधे प्रकाश के पास गई और मैंने उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन ये मेरा विश्वास ही नहीं कर रहा। क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मुझे डबल क्रॉस कर रही है और सारे हीरे खुद हड़पना चाहती है। और जब मुझे इस बात का शक हुआ तो मैं लॉज पहुंचा, पर तब तक आप वहां आ चुके थे। इसीलिए तो मैंने मारने की कोशिश भी कर रहे थे। मैं इसे मार नहीं रहा था, सिर्फ धमका रहा था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आशीष का खून इसी ने किया है और हीरे इसके पास ही मिलेंगे। मैंने आशीष का खून नहीं किया है और ना ही वो हीरे मेरे पास है। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? कहानी बहुत अच्छी है मिस सलोनी, लेकिन एक बात आप भूल गई कि आपने मिस्टर आशीष के साथ ड्रिंक ली थी। ड्रिंक? मैंने आशीष के साथ कोई ड्रिंक नहीं ली। हमें ग्लास पर लिपस्टिक के निशान मिले हैं मिस सलोनी, झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं। आपने आशीष को मारा, हीरे उठाए, वहां से बाहर निकली और आप ये कहानी बता रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इसने ऐसा ही किया। बहुत चालाक। एक मिनट मिस्टर प्रकाश, हो सकता है कि आशीष का खून तुमने किया। एक मिनट, तुम इनसे पहले वहां पहुंचे, आशीष को मार डाला, हीरे उठाकर वहां से निकल गए और अब तुम इन्हें डबल क्रॉस करने लगे। मुझे लगता है कातिल तुम दोनों में से ही एक है। सुधाकर, माइकल, मिस्टर प्रकाश और मिस सलोनी को गिरफ्तार कर दो। सर, मैंने ठाकुर द्वारा और भुलेश्वर में जितनी भी ज्वेलर शॉप थी उनमें से करीबन सारी दुकानों में पूछताछ की है। अभी 5 दुकानें बाकी है सर, और मुझे यकीन है सर उन दुकानों में हमें पता चल जाएगा कि ये कंगन किसका है। ओके, गुड, चलो। तो डॉक्टर साहब। हाँ वीरेन, क्या पता चला? देखो, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है इस लिपस्टिक के निशान में। अच्छा, अब वो क्या? जस्ट अ मोमेंट। आशा, जरा लिपस्टिक अपने होठों से लगा। कम ऑन, लगाओ, मुझे कुछ देखना है। अब इस ग्लास से जरा एक सिप लो। कम ऑन, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। देखो वीरेन, जैसे हम किसी चीज को अपनी उंगलियों से छूते हैं और उंगलियों के कुछ खास निशान उस चीज पर लग जाते हैं, वैसे ही होठों के भी खास निशान लग जाते हैं। ये देखो, ये आशा ने अपने होठों से इस ग्लास से सिप लिया और अपने निचले होठ का ये मार्क यहां छोड़ दिया, ये निशान। अब इस ग्लास को देखो, ये जो हमें होटल के उस कमरे से मिला था, यहां पर इस लिपस्टिक में कोई खास निशान नहीं है, कोई होठ का निशान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे मुंह नहीं लगाया, बस सिर्फ उंगलियों से लिपस्टिक का एक निशान बना दिया हमें धोखा देने के लिए। खैर, अब हमें देखना यह है कि इस कंगन से हमें क्या पता चलता है।
इंस्पेक्टर आशा फ्रॉम सीआईडी। गुड आफ्टरनून सर, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी, पूछिए। ये कंगन क्या आपकी दुकान से बनवा गया था? जी हाँ, ये मेरी दुकान का ही बना हुआ है, काफी पॉपुलर है, काफी बिकता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये किसने बनवाया था, क्योंकि हम उसे ढूंढ रहे हैं। नहीं जी, ये तो बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि ये काफी पॉपुलर डिजाइन है और बहुत ही बिकते हैं। देखिए, इस कंगन पर M एंग्रेव किया हुआ है, शायद इससे कुछ आपको मदद मिल जाए। कोशिश करते हैं, देखते हैं। हाँ जी, शायद कुछ पता चल सकता है। मैंने पहले एक कस्टमर ने बनाया था, जिसका नाम है मलिका सेन। मलिका सेन, ये नाम अब तक तो आया नहीं। एड्रेस है जी? नहीं, एड्रेस तो नहीं है, क्योंकि वो खुद आए थे अपना डिलीवरी के लिए। हाँ, और एक बात है कि उन्होंने एक महीने पहले ये कंगन का ऑर्डर दिया हुआ। तब एड्रेस लिखवाया था? नहीं जी, इनका एड्रेस नहीं है, इनका फोन नंबर है मेरे पास। क्या है? 611-0233-0233। हेलो हेलो, मिस मलिका सर, इंस्पेक्टर आशा फ्रॉम सीआईडी। प्लीज कम इन। बैठिए। मिस मलिका। यस। क्या ये कंगन आपका है? ध्यान से देखिए, इस पर M अल्फाबेट छपा हुआ है। ये तो मेरा ही है, ये आपको कहाँ से मिला? देखिए, आप हमें सिर्फ ये बताइए कि क्या आप किसी आशीष खन्ना को जानती हैं? आशीष खन्ना? नहीं, मैं किसी आशीष खन्ना को नहीं जानती। क्या ये उनको मिला था? जी नहीं, हमें यह कंगन आशीष खन्ना के होटल के कमरे में से मिला। उस आशीष खन्ना का खून हो गया। खून? मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, मैं नहीं जानती ये वहां कैसे पहुंचा। मुझसे ये 6 महीने पहले ही खो गया था। 6 महीने पहले? जी हाँ, मैं और मेरे पति करीब 6 महीने पहले ही मुंबई आए थे। ये कंगन मैंने उसी वक्त बनवा लिया था, पर कुछ दिनों बाद ही वो मुझसे कहीं खो गया। क्या मतलब खो गया? लेकिन एक महीने पहले ही मैंने एक और ऐसा ही कंगन बनवा लिया था। हमारे पास तब घर भी नहीं था, हम एक होटल में ठहरे हुए थे। हम हर रोज फ्लैट्स देखने इधर उधर जाया करते थे। बस तभी ये मुझसे कहीं खो गया होगा। एक मिनट, आपने अभी भी कहा कि आप एक होटल में ठहरे हुए? कौन से होटल में? होटल टूरिस्ट लॉज। टूरिस्ट लॉज? आप होटल में कौन से कमरे में ठहरे? सेकंड फ्लोर के कमरे में कोई दूसरा रूम तो नहीं? नहीं नहीं, हम तो ग्राउंड फ्लोर पर थे। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और ये मेरा कंगन? देखिए, आपका कंगन आपको वापस मिल जाएगा, फिलहाल आप जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच माइकल। एविडेंस बॉक्स में डाल। सर, अगर कंगन 6 महीने पहले ही खो गया था, तो वो आशीष खन्ना के कमरे में कैसे पहुंचा? इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमें सारी बातें जोड़नी पड़ेंगी। ये कंगन, ये लिपस्टिक के निशान। सर, हम अब तक मिस्टर विलास के बारे में कुछ नहीं जान पाए, कहीं वो तो आशा, सोचो, एक बच्चा एक रोज स्कूल नहीं जाता है, मतलब स्कूल से छुट्टी मारता है ऐसे। अब अगले दिन वो टीचर से या तो ये बहाना बना सकता है कि उसे बुखार था, जो टीचर मान लेगी, या फिर वो ये कह सकता है कि उसका कोई रिश्तेदार मर गया, जो टीचर मान लेगी। लेकिन अगर वो ये कहता है कि उसे बुखार भी था और उसका रिश्तेदार भी मर गया था, तो टीचर को यकीनन मालूम हो जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है। मतलब
मेरे ख्याल से मैं जानता हूं कि ये विलास कौन है। हरी अप। कबूल कर लो कि आशीष का खून तुम्ही ने किया है। बोलो, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है। तुम्ही ने उन हीरो के खातिर आशीष को मार डाला। अब हमें और बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। देखिए, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, और कोई नहीं मिला तो मैं। मैंने उसे मारा है। ये समझ जाने में हो गया साहब, गलती से हो गया। सच सच बताओ, उस रात क्या हुआ? जब मैंने उसे ये कहते हुए सुना कि वो गोवा से बोल रहा है, तभी मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है, और मैंने देखा वो काफी परेशान सा लग रहा है। वो शराब की एक पूरी बोतल पी गया साहब, और फिर दूसरी मांगने लगा मुझसे। दूसरी बोतल लेकर मैं उसके कमरे में गया। साहब आपका ऑर्डर लेके आया हूं। साहब वो शायद उस वक्त गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही मैं बोतल खोलने को हुआ, मेरी नजर सामने पड़े हीरो पर गई। हीरो की चमक ने मेरी आंखों में लालच भर दिया। मैंने देखा वो गहरी नींद में सो रहा था। इतनी सारी दौलत देखकर मुझसे रहा न गया, और मैंने वो हीरे उठा लिए। पर जैसे ही मैं वहां से जाने को हुआ, मेज पर पड़ी चाबी मुझसे गिर गई और मैं जाग गया, और हम दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। उसने शराब पी रखी थी। मैंने उसे जोर से धक्का दिया। मेज का कोना उसकी गर्दन के पीछे लग गया। उसने शायद मुझे पहचान लिया था। वो फिर से खड़ा हुआ। दोबारा उठकर उसने मुझे पकड़ना चाहा। मैंने उसे धक्का दिया, वो नीचे गिर गया। वो शांत हो गया था। वो शायद मर चुका था। ये तो मर गया। आशीष, तभी मुझे बाहर से किसी लड़की की आवाज सुनाई पड़ी। मैं भागकर बाथरूम में छिप गया। आशीष, मैंने देखा लाल कपड़ों में एक लड़की उस कमरे में आई। आशीष उठो। आशीष, क्या हो गया तुम्हें? वो लड़की शायद उसे जानती थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था ऐसी हालत में मैं क्या करूं। मैंने उसे जान से नहीं मारना चाहा था। ये तो मर गया। वो हीरे, शायद उसे हीरो के बारे में पता था। वो हीरे ढूंढने लगी, लेकिन उसे हीरे नहीं मिले। उसने सारा कमरा छान मारा। वो शायद वहां पर हीरे लेने ही आई थी। हीरे तो मेरे पास थे। मैं अंदर से सब कुछ देखता रहा। उस लड़की को लगा कि वो कहीं किसी चक्कर में ना फंस जाए, इसलिए वो से चुपचाप चली गई। मैं बाथरूम से बाहर आया, और मैंने उसकी लाश को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। मैं दौड़कर लॉबी में गया। वहां हमारे गेस्ट लोगों का वो सामान पड़ा है जो रूम्स में भूल जाते हैं। मैंने वहां से एक लाल लिपस्टिक और एक कंगन उठाया, और फिर वही लाल लिपस्टिक तुमने ग्लास पर लगाई और ग्लास में विस्की डाल दी। जी हाँ, और वो कंगन मैंने वहां फेंक दिया ताकि पुलिस को मिल जाए। और फिर तुमने उस लाश को वहां से घसीट कर खिड़की से नीचे फेंक दिया।
मैंने सोचा कि पुलिस को लगे कि आत्महत्या या फिर एक्सीडेंट, और अगर किसी तरह पुलिस को पता चल जाता है कि वो खून है तो सारा शक उस लाल ड्रेस वाली लड़की पर, मुझ पर नहीं। लेकिन फिर भी तुम पकड़े गए मनोहर, तुम्हारी बदकिस्मती से तुमने जो सबूत छोड़े वही सबूत हमारे काम आए। वो लिपस्टिक, वो कंगन और विलास, जो आदमी ना है ना कभी था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, उसे मारना नहीं चाहता था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में चींटी तक नहीं मारे साहब, तो भला एक आदमी को कैसे मार सकता हूं। दरअसल मैं लालच में आ गया साहब। इतने सालों तक मेहनत करने के बावजूद मैं 10,000 रुपए इकट्ठे नहीं कर सका। अचानक इतने सारे दौलत देखकर मैं पागल हो गया साहब, मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी सुधर जाएगी साहब, वो सारे हीरे लौटा दूंगा साहब, मुझे माफ करो साहब। मैंने जानबूझ कर उसे नहीं मारा साहब, मुझे माफ कर। मनोहर, तुम्हारी थोड़ी सी लालच की वजह से तुम्हारे हाथ से बहुत बड़ी गलती हुई है, जो तुम्हारे लिए बहुत महंगी पड़ेगी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हीरो की चोरी और आशीष खन्ना के खून के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं।